चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के कामों की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के गरीब बीजेपी के साथ खड़े हैं और एक बार फिर पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में करोड़ों गरीबों को राशन दिया, करोड़ों लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाकर सुरक्षा कवच दिया। मोदी ने इस दौरान तीन तलाक कुप्रथा खत्म करने को बड़ा कदम बताया और कहा कि घोर परिवारवादी लोगों को इन मुस्लिम बेटियों का दर्द नहीं दिखता। पंद्रह करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में राशन मिल रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को, 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है। और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है।
हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतापगढ़ के कुंडा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जाना और छाती ठोक कर कहना कि मैंने जो कहा था वो किया, ये संस्कृति मोदी जी भारत की राजनीति में लेकर आए हैं। बाकी सभी पार्टियां इस बात की चर्चा कर सकती हैं कि हमने अपने परिवार, अपने घर और अपने रिश्तेदारों के विकास कैसे किए, लेकिन जनता के विकास के बारे में वो कोई चर्चा नहीं कर सकती। ये चर्चा करने का दम और ये कहना कि जो कहा था वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे, ये केवल बीजेपी कर सकती है। हमारी पार्टी गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, कोरोना आया तो जो लोग जनधन खाते का मजाक उड़ाते थे, आप बताइए, हमारी बहनें बताएंगी, जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने अपने कोरोना के दौरान 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था, पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था। ये महिला सशक्तिकरण ये इसलिए किया गया था ताकि गरीब का चूल्हा जल सके, कोरोना में उनका जीवन यापन हो सके। और यही नहीं, बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और योगी जी का चना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और साथ में तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मित्रों, मोदी जी का अलग से राशन मिल रहा है, योगी जी का अलग से राशन मिल रहा है, ये डबल इंजन है, डबल इंजन, दुगना दुगना मिल रहा है। मित्रों, ये गरीब आदमी, वंचित, पीड़ित, शोषित, अभी तक 1,56,00,000 घर बने हैं, 1,56,00,000 घर, और कैसे घर बने हैं? शौचालय अलग, रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर, और रहने के लिए कमरा अलग, अहाता अलग, टेरेस अलग, और घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का मालिक मालिक नहीं होगा, मालिक मालकिन होगी, महिला सशक्तिकरण होगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का